आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत यानी मैनपुरी सीट बचाने के लिए पूरा यादव परिवार एकजुट हो गया है। यादव परिवार डिंपल यादव के लिए जोर शोरों से प्रचार कर रहा है, लेकिन प्रचार के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो चर्चा का विषय बन चुकी हैं। नेताजी को याद करके मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव भावुक हो गए। इतना ही नहीं, मंच पर अपने संबोधन के दौरान धर्मेंद्र यादव नेताजी को याद कर रोने लगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के बाद सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपना चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। दरअसल मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत यानी मैनपुरी सीट बचाने के लिए पूरा यादव परिवार एकजुट हो गया है। शिवपाल सिंह यादव भी सब कुछ भूलकर परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और डिंपल यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रचार के दौरान कुछ ऐसी घटना हुई जो चर्चा का विषय बन चुकी है। नेताजी को याद करके मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव फिर से भावुक हो गए। इतना ही नहीं, मंच पर अपने संबोधन के दौरान धर्मेंद्र यादव नेताजी को याद कर फूट फूट कर रोने लगे। मंच पर भावुक हुए धर्मेंद्र यादव का वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान लोग उनके वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। रोते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि नेताजी के बिना भी चुनाव लड़ना होगा। मैनपुरी के लोगों जिन्होंने नेताजी के जाने के बाद इस चुनाव को इतनी चुनौती देने की कोशिश की है, इस चुनाव में आप लोगों को डिंपल यादव को जीत दिलानी है। साथ ही आगे उन्होंने रघुराज शाक्य पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग दो दिन पहले सैफई में श्रद्धांजलि दे रहे थे, वो आदमी नेताजी के खिलाफ उम्मीदवार बने घूम रहे हैं और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों, क्या आप इन लोगों को बर्दाश्त कर लोगे? खैर, सभी पार्टियां चुनाव के समय एक दूसरे पर तंज कसती है और अपनी अपनी जीत के लिए हर एक पार्टी हर संभव प्रयास करती है। फिलहाल ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि इस उपचुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।